नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ के प्रदेश के किसानों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने जहां किसानों को राज्य सरकार की नीतियों से अवगत करवाया, तो वहीं किसानों ने कृषि मंत्री तथा मुख्यमंत्री का कृषि कार्यों के क्षेत्र में किए गए कल्याणकारी कार्यों के लिए धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को फसलों का विविधीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया, तो कहा कि वे रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कृषि के अलावा पशुपालन, डेयरी, मछली पालन के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की है, जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में युवा बखूबी उठा रहे हैं। इसे गांव से शहर की तरफ रोजगार के लिए होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने पर जोर दे रही है तथा प्रदेश में करीबन 8 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि पशुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 60,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपये तक का पशु बीमा किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि गरीब तबके के लोगों को भी पशुओं का बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाए। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हमारे मोदी जी के दूसरी कार्यकाल में जो 1 साल पूर्ण हुआ है और इस दौरान जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, खास करके कश्मीर समस्या का समाधान करना, किसानों के हित के नीतियां बनाना और कोरोना काल में देश को एकजुट करके इकट्ठा करके इस बीमारी से लड़ने की जो ताकत दी है, उसका जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को देने के लिए आज मैंने जो है लोहारू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल रैली की और बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें जुड़े और हमारे प्रदेश सरकार की जो भी उपलब्धियां रही है उनकी भी उनको बताया और इस संकट की घड़ी में कैसे उत्साह बनाकर इस कष्टकारी बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए, इस बारे में अच्छा संवाद रहा और अच्छे कार्यकर्ता जुड़े और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी था, इसलिए ये वर्चुअल रैली हुई। मैं सभी कार्यकर्ताओं का इसमें धन्यवाद करता हूँ। समस्याएं तो मुझे जानकारी है, इलाके के क्या क्या विकास की योजनाएं चल रही हैं और आगे आगे क्या धरातल पर योजनाएं उतरने वाली हैं, उनकी जानकारी उन लोगों को दे दी। और लोहारू हल्के के लोग तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, उनको बड़ी भारी अपेक्षाएं हैं कि लोहारू में विकास के लिए जिस तरह से 15 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की बन रही हैं, 14-15 नहरों पे 60 करोड़ रुपये की योजनाएँ आई हैं, लोहारू शहर के समेत 50-60 गांव में पीने के पानी की समस्याओं का समाधान करने का था, गिगनाऊ गाँव में जो है एक्सीलेंस सेंटर आ रहे हैं और आगे जो योजनाएं हैं गोडाउन बनाने की योजनाएं हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बनाने की योजनाएं हैं, मंडियों का सुधार करने की योजनाएं हैं, बहुत सारी लोहारों के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। और सबसे बड़ा पता है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो 30-35 साल से उनको नहरों का पानी नहीं मिलता था, तो वो पानी मिला है, मुआवजा अच्छा मिला है, फसल का भाव अच्छा मिला है, मंडियाँ अच्छी चली हैं, तो लोग बहुत उत्साहित हैं।